हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अहमदाबाद के विराट नगर में राजस्थान प्रवासी समाज के गुजरात युवा संघ के तत्वावधान में 36 कौम का होली महोत्सव संपन्न हुआ। नागाणी महोत्सव का शुभारंभ गेय नृत्य से हुआ, जिसमें राजस्थानी वेशभूषा में कई युवक धोती पोती सहित पधार करके नृत्य किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। मंचीय कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी लोकप्रिय फाग से हुआ, जिसमें भवाई और कलबीलिया नृत्य की प्रस्तुति में लोग झूम उठे। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश जी पूनिया, राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अधिशक्ता नारायण सिंह जी देवल, विधायक रानीवाड़ा व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा व विशिष्ट अतिथि के रूप में देवजी पटेल, सांसद जालोर सिरोही डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सिलोर, प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया भाजपा सहित कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन में भामाशाह ने सभी अतिथियों का माला साफा, स्मृति चिन्ह व विशेष मिति के लिए सिरोही की सुप्रसिद्ध तलवार भेंट की, जिसमें लोगों ने करतल ध्वनि से लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सतीश पूनिया ने समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि गुजरात कर्म भूमि और जन्म भूमि का संगम स्थल है। उन्होंने समारोह के संयोजक भरत राज पुरोहित मंडवाड़ा वो उपस्थित सभी प्रवासी राजस्थानियों को होली महोत्सव की शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि राजस्थान की संस्कृति समन्वयशील रही है, जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां धूल मिल जाते हैं और प्रवासी सभी जगह अपना काम करते हुए नाम रोशन कर रहे हैं। इस पर आप सभी प्रवासियों पर मुझे गर्व है। उन्होंने तत्कालीन मुद्दों पर बताया कि आपकी मोदी सरकार वो है जो रूस यूक्रेन के युद्ध में वह फंसे लगभग 25,000 बच्चों को भारत लाए। यह ऐसा साहसिक काम यदि कोई कर सकता है तो मोदी सरकार ही कर सकती है। इस पर प्रवासी राजस्थानियों ने जोरदार तालियां बजाकर और भारत माता की जय बोलकर प्रशंसा की। अध्यक्षता कर रहे नारायण सिंह देवल ने बताया कि आज इतनी जोरदार संख्या देखकर लगा कि आधा राजस्थान नजर आता है। विशिष्ट अतिथि देवजी पटेल व डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने भी समारोह के बीच बीच में होली के फाग व लोक नृत्य पर लोग झूम उठे। प्रवासी राजस्थानियों के समारोह में सभी प्रवासियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और अपनी मिट्टी के प्रेम का परिचय दिया। समारोह में गुजरात भाजपा से दीपिका बेन त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सम्मानीय अतिथि में मांगू सिंह बावली, दानाराम चौधरी, तेजराज सोलंकी, कमल भाई रावल सहित अनेकों पदाधिकारियों ने उपस्थिति होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गुजरात युवा संघ के संयोजक भरत राज पुरोहित मंडवाड़ा के नेतृत्व में संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रमुख प्रवासी प्रवीण राज पुरोहित, किरण राजगुरु, श्री रामचंद्र राजगुरु, देवेंद्र पुरोहित, हर्षवर्धन राज पुरोहित, भावेश लोहार, धनजी लोहार, हिम्मत घांची, मूलजी राज पुरोहित, श्रवण राज पुरोहित, नारायण राज पुरोहित, गणेश प्रजापत, हिमांशु राज पुरोहित, लक्ष्मण राजगुरु, गणेश चौधरी, हर्षल राज पुरोहित, रमेश राज पुरोहित, ललित लोहार, भवानी सिंह राजपूत, महेंद्र प्रजापत, ब्रिजेश खांची, मंगलाजी राज पुरोहित, शैल सिंह राजपूत, पहाड़ जी राज पुरोहित, ललित राज पुरोहित, हर्षद लोहार, खेताराम लोहार, आयोजक टीम विपुल ओझा, रमेश पुरोहित, अशोक पुरोहित, विक्रम लोहार, मोहन पुरोहित, जितेंद्र पुरोहित, महेंद्र पुरोहित, वसंत सागर, दूध सिंह पुरोहित, विक्रम प्रजापत, महादेव देसाई, भरत पुरोहित, जगदीश प्रजापत आदि उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।